नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का गणित हुआ था फेल, आगे भी होगा। जयराम ने सुक्कू सरकार पर कसा तंज। नेता प्रतिभाग जयराम ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर के समर्थन में नालागढ़ में सभा को संबोधित किया। जयराम ने कहा कि आज जो लोग पूछते हैं कि 3 सीटें जीतकर भाजपा सरकार कैसे बना लेगी, यही लोग कहते थे कि भाजपा राज्यसभा का चुनाव कैसे जीत पाएगी और हमें संख्या का गणित बताते थे। तभी कांग्रेस का गणित फेल हुआ और आगे भी होगा। राजनीति संभावना का खेल है, इसमें उलटफेर होने में अधिक समय नहीं लगता। खीरगंगा पर्यटन स्थल में रात के समय कैंपिंग करने पर लगी रोक, जानिए क्या है वजह। वन विभाग ने अब खीरगंगा क्षेत्र में रात के समय कैंपिंग करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। पर्यटकों को रात के समय खीरगंगा में ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आरओ कसोल जोगराज शर्मा ने कहा कि डीएफओ के निर्देशानुसार सभी कैंपों को खीरगंगा से हटा दिया है। उन्होंने कहा कि जो पर्यटक खीरगंगा की यात्रा करना चाहते हैं उन्हें सुबह जल्दी निकलना होगा और रात 10 बजे से पहले खीरगंगा पहुंचना होगा। वहीं सुबह 10 बजे के बाद खीरगंगा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद उन्हें दोपहर 2 बजे से पहले वापस लौटना होगा। उन्होंने कहा कि रात को ठहरने के लिए पर्यटकों को नखथान, बरशेणी, कलगा या तोश में रुकना होगा। उधर डीएफओ पार्वती प्रवीण ठाकुर ने कहा कि ये कदम पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। शर्मनाक शिक्षक ने नाबालिग छात्राओं के साथ की गंदी हरकत, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज, आरोपी फरार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। इस संबंध में कुल्लू महिला पुलिस थाना में आरोपित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। खराहल घाटी के एक सरकारी स्कूल में एक शिक्षक पर नाबालिग छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न करता था। पुलिस की टीम आरोपित शिक्षक पर कानूनी कार्यवाही में जुट गई है। कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ने महिला पुलिस थाना कुल्लू में शिकायत दर्ज करवाई है कि मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली कुछ नाबालिग छात्राओं के साथ शिक्षक ने यौन उत्पीड़न किया है। ऐसे में पुलिस की टीम ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया और अब इस मामले की जांच में जुट गई है। हिमाचल शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश, अब शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को देना होगा ये शपथ पत्र। प्रदेश के सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों में अब विद्यार्थियों को नशा न करने का शपथ पत्र देना होगा। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी संस्थानों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इस दौरान सभी स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों से ये शपथ पत्र लेने को कहा गया है। इसके तहत विद्यार्थियों को शराब, तंबाकू व किसी भी अन्य मादक पदार्थ का सेवन, उसका उपयोग करना, बेचना और वितरण करना गलत और हानिकारक है, इसकी शपथ लेनी होगी। इसके साथ ही विद्यार्थी को परिसर में मादक पदार्थ का उपयोग करने, उसके प्रभाव में होने, रखने, प्रस्तुत करने, वितरित करने, बेचने या रखने की साजिश रचने, बिक्री या वितरण की श्रृंखला में शामिल होने से बचने और इस संबंध में किसी भी अनियमित व्यवहार के बारे में संस्थान के अधिकारी को रिपोर्ट करूंगा और लिख कर देना होगा। दुबई में नौकरी दिलवाने और वीजा देने के नाम पर ठगे 70 लाख। दुबई में टूर एंड ट्रेवल और फ्लैट बेचने का काम शुरू करवाने के नाम पर लाखों रुपए ठगने का मामला धर्मशाला में सामने आया है। पुलिस थाना मैक्लोडगंज में 3 लोगों ने इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके चलते भारतीय न्याय संहिता के तहत धोखाधड़ी का मामला धारा 318/4 के तहत दर्ज किया गया। मामले में अभी 70 लाख रुपए ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। वहीं ये राशि अधिक होने की भी संभावना जताई जा रही है। दुबई में नौकरी के नाम पर पैसे ठगने वाला एक आरोपी पंजाब जबकि दूसरा कांगड़ा जिले के पालमपुर से संबंध रखने वाला है। पुलिस थाना मैक्लोडगंज में रजत अग्रवाल, विनोद नैयर, उमंग और पंकज ने आरोप लगाया है कि उन्हें दुबई में नौकरी दिलाने और वीजा देने के नाम पर आरोपी शिवांकु शर्मा ने ठगा है। उनके साथ हुई ठगी के मामले में दुबई में संपर्क के बाद पता चला कि करीब 40 से अधिक लोगों को आरोपियों ने ठगा है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने कोतवाली स्थित दुकान को जनवरी महीने से किराए पर ले रखा था, जबकि उसका जीजा एक नामी होटल में बतौर रेवेन्यू मैनेजर कार्यरत है और उसकी बच्ची भी धर्मशाला स्कूल में पढ़ती थी। खौफनाक, स्कूल जाने के लिए घर से निकला था नाबालिग, पेड़ से लटका मिला शव, इलाके में मची सनसनी। मनाली थाने के अंतर्गत रुमसू गांव में 15 साल के नाबालिग का शव सेब के पेड़ पर लटका मिला। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर छानबीन
शुरू कर दी है। नाबालिग के पहचान शुभम पुत्र इंद्र कुमार निवासी गांव रुमसू डाकाघर नगर तहसील व जिला कुल्लू उम्र 15 वर्ष के रूप में हुई है। नाबालिग 2 जुलाई को घर से स्कूल के लिए गया था लेकिन स्कूल नहीं पहुंचा। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि पुलिस को 6 जुलाई को ग्राम पंचायत रुमसू के प्रधान देवराज ने फोन कर बताया कि एक नाबालिग की लाश रुमसू गांव के 300-400 मीटर की दूरी पर बगीचे में सेब के पेड़ पर लटकी है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर रुमसू पहुंची। पुलिस ने नाबालिग का शव सेब के पेड़ से लटका पाया। दुख होता है जब अपने ही जिले के 3 विधायक गद्दारी करे आशीष शर्मा बहरूपिया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार शाम हमीरपुर में कहा कि पूर्व निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को पूरा मान सम्मान दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली रैली हमीरपुर में की, उनके घर सुबह का नाश्ता किया, उनके काम किए, हमीरपुर बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू करवाया, हमीरपुर में चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कराले, परिवहन अपिलेज प्राधिकरण का कराले खोला, गांधी चौक का सौंदर्यीकरण किया, हमीरपुर शहर में बिजली के तारों को हटाने के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किया। बावजूद इसके आशीष शर्मा बिक गए। सुखू ने कहा कि हमीरपुर के 3 विधायकों ने हमीरपुर जिला के मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार को हटाने का षड्यंत्र भाजपा के साथ मिलकर रचा। ये वही लोग हैं जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को सुजानपुर में हराने की साजिश रची थी। ये लोग हमीरपुर विरोधी हैं, अपने जिला का मुख्यमंत्री नहीं चाहते। दुख होता है जब अपने जिले के 3 विधायक गद्दारी करें और अन्य जिलों के विधायक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। 34 विधायकों की ताकत से आगे बढ़े और आज हमारे विधायकों की संख्या बढ़कर 38 हो चुकी है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अभी 3.5 साल और है। पूर्व निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा बहरूपिया है, उन्होंने जनता के स्वाभिमान व अपने ईमान को भाजपा की राजनीतिक मंडी में बेचा है। उन्होंने अपने जिले के मुख्यमंत्री को धोखा दिया, वो सच्चा जनसेवक नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 महीने में क्षेत्र का विकास नहीं किया, अपने लिए 140 करोड़ के ठेके लिए सारा रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जा चुका है, कोई भी आरटीआई ले सकता है।